साथी हुक्का की व्यवस्था हो गई है तो अब सब साथी बैठ जाएंगे पानी पीकर और सब साथियों को ये आश्वस्त कर रहे हैं कोई इस बात को हल्के में ना ले। ये वही लोग हैं जो 2013 भूमि अधिग्रहण कानून को बदलवाने का काम इन लोगों ने किया, पूर्ववर्ती केंद्र सरकार को झुकाने का काम किया, बट्टा पारसान का आंदोलन रहा हो चाहे घोड़ी बछौड़े का आंदोलन रहा हो चाहे और आंदोलन किसान के रहे हो, ये वो क्रांतिकारी लोगों की भूमि है जिन्होंने अंग्रेजों को भी धूल चटाने का काम किया था, चाहे दादरी की क्रांति हो, चाहे राम उबराव की शहादत हो, चाहे काले आम पे 50 से 60 लोगों की शहादत हो। ये वो लोग हैं जो नलगटा यही स्थित है अभी बगल में, और वो पत्थर भी है जहां भगत सिंह ने बम बनाने का काम किया था। यहाँ वो लोग जिन्होंने देश को आजादी दिलाने का काम किया था, भगत सिंह, सुखदेव, विजय सिंह पथिक, तमाम लोग यहाँ नलगटा में रहे। यहाँ बहुत सारे बुजुर्गों ने शहादत दी है। यहाँ हमारे साथ हमारे साथी बैठे हैं जो आजाद हिंद फौज में, उनके दादा ने आजाद हिंद फौज में रहकर देश को आजाद कराने का काम किया था। यहाँ वो लोग हैं जिन्होंने 1394 का जो कानून था जो केंद्र सरकार ने थोपा था किसानों पर, और भट्टा पारसाल में गोली खाने का काम इन किसानों ने किया था, गोली बछाने में हमारी जमीन नहीं छोड़ी इन्होंने, और आज हमारे युवाओं को यहाँ पर भटकना पड़ रहा है, तरह तरह की ठोकर खानी पड़ रही है। हम कहते हैं जो युवा योग्यता के अनुसार है उसको आप नौकरी दें, हम ये नहीं कह रहे आप किसी को और किसी को दें। जो युवा हमारा इसकी योग्यता है, जो कर्म जिसका व्यवहार है उसको दीजिए। हम कहते हैं, ये कहते हैं भाई हमारे यहाँ लोकल होता है, मैं कहता हूँ आप बॉन्ड भरवाइए, मैनेजमेंट कमेटी यहाँ पे हो, जो शासन प्रशासन के अधिकारी यहाँ पे हो, मैं कहना चाहता हूँ आप जो योग्य युवा है उनको भर्ती दें और बॉन्ड भी भरवाएं। हम गलत चीज का बिल्कुल साथ नहीं देगा, जैसा कि अभी हमारी महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन गीता भाटी ने भी बताया, किसान एकता संगठन एक निष्पक्ष और निस्वार्थ भावना से काम करने वाला संगठन है।